नमस्ते, कैसे हो आप सभी। और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रुचिस टैलेंट टिप्स में, और मैं हूँ रुचि। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ हमारे यहाँ होली में क्या क्या बनता है, कौन से पकवान बनाए जाते हैं उसका वीडियो, और सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। मतलब कि जैसा हमारे यूपी में होता है गुजिया एंड नमक पारे, मीठे खुरमा जिनको आप शक्कर पारा भी बोलते हो गए आई थिंक, तो सब कुछ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करना। तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ले लेना है मैदा, और मैदे को अच्छे से साफ कर लेना है। फिर उसके बाद उसको मोयन लगा देना है, और मोयन डालने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल का यूज़ करा है। आप जो भी खाते हो आप उसका यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डालडा या फिर घी का भी आप यूज़ कर सकते हो। और मोयन आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, इतना ज़्यादा होना चाहिए कि अच्छे से पूरा मुट्ठी बंध जाए। और मोयन को मिलाने में हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि मोयन को अच्छे से मिक्स नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो होती हैं गुजिया या फिर और जो भी, वो फटे फटे से लगते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं। तो इस वजह से मोयन को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से मोयन को मिक्स करा है, और दोनों हाथों की हेल्प से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे हमें कम लग रहा था मोयन, तो मैंने और ले लिया। और मोयन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रखना है, अगर आपको कम लगे तो आप ऊपर से और भी ज़्यादा ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने लगभग जो एक छोटा चाय वाला ग्लास आता है उसकी उस वो पूरा ग्लास हमने लिया है। और इसी टाइम हम खुरमे के लिए और नमक पारे के लिए, गुजिया के लिए, तीनों के लिए मोयन दे रहे हैं। और इसी में से अभी हम आधा आधा कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो इसलिए मोयन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और आप भी देख सकते हो मोयन देने के बाद हम ले लेंगे सबसे पहले अजवाइन। और अजवाइन को डालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको हाथों में लेके थोड़ा सा आप रब कर दीजिए, और जब आप इसको अच्छे से क्रश कर देंगे तो फिर जो इसकी स्मेल होती है बहुत अच्छे से आ जाएगी। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए, जितना कि आप खाते हो आप उस हिसाब से डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है, और मम्मी इधर ये जो मीठे खुरमे होते हैं और गुजिया उसका आटा सान रही है, और मैं उधर जो नमक पारे के लिए मैं उसका अलग से आटा गूँथ लूँगी। तो यहाँ पे हमारा डो रेडी हो गया है, और जो भी आप डो बनाए उसको थोड़ा सा टाइट रखें, गीला आटा ना रखें। तो यहाँ पे हमने गुजिया की स्टफिंग बना लेनी है, और स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें खोया ले लिया है, और खोया के बाद इसमें मैंने पीसी चीनी भी डाल दी है। और अब मैं इधर से ले लूँगी सूजी। तो सूजी में बस बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस 2-3 चम्मच ही लेना है, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर आप इसमें जो भी खाना चाहते हो, मेवे जो आपको पसंद हो आप उनको डाल सकते हो, आप उनको रोस्ट करके डाल सकते हो, या फिर ऐसे ही आप डायरेक्ट काट के भी डाल सकते हो। और यहाँ पे मेरी भरावन तैयार है। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे, और लोई बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा पतला बेला जाता है। और आप एक साथ कई सारी बना लो क्योंकि इकट्ठे आपको बनाने में फिर इजी हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मैं सारी जो लोइयाँ हैं उनको बेल लूँगी। तो यहाँ पे मैं कैसे बेल रही हूँ आप भी सेम प्रोसेस देख सकते हैं। एंड इन्हीं लोइयों से फिर हम बनाएंगे गुजिया। तो अभी हम सबसे पहले बना लेंगे इसकी पूड़ियाँ, और आप देख सकते हो मैंने कितना सा आटा लिया है और कैसे कैसे मैं बेलती जा रही हूँ, साथ ही मैं बनाते भी जा रही हूँ। और इसमें आपको वेट नहीं करना क्योंकि सूखने ना पाए, अगर गुजिया सूख गई तो फिर वो फट जाती हैं, इसलिए आप उनको कोशिश करें कि जो गीले कपड़े होते हैं उसमें रखें।
डायरेक्ट आप खुले में ना रखें, वरना वो फिर बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और यहाँ पे ये मैंने ले लिया है जो गुजिया बनाने का सांचा होता है उसको, और उसमें रख के फिर हम अपने स्टफिंग रख देंगे, मतलब कि उसमें सबसे पहले पूड़ियाँ जो हमने बनाई थी उनको रखना है, उसके बाद फिर स्टफिंग रख देना है हमको, और फिर हमको बना लेना है गुजिया। तो यहाँ पे जो ये सांचे थे, ये सही से पता नहीं कौन सा था जिससे बनता है, वरना ये सारे फट जा रहे थे, तो इस वजह से मैं देख रही थी कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं सही है। तो जो सही होगा उस पे ही हम डाल देंगे। और यहाँ पे मेरी स्टफिंग तैयार हो गई है, तो स्टफिंग आप देख सकते हो कैसी है, और ये गुजिया भी मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मैंने पूरियाँ पहले से ही बेल के रखी थी, तो बनाने में बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। और आप भी एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करें कि अगर आप पूरियाँ बना लो तो फिर आप बाद में बनाते जाओ इकट्ठे, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं डाल देती हूँ तेल कढ़ाई में, और फिर इसको जब तक थोड़ा सा हीट होगा तेल, तब फिर हम डालेंगे। और अभी मैं बना लेती हूँ गुजिया। तो मैं डाल दूंगी, और दो दो तीन तीन मैं डालती जाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी अच्छी गुजिया बन गई हैं, और ऐसे आप भी ट्राई करना और आप खा भी लो अभी यहाँ। तो हमारी गुजिया हो गई हैं तैयार, और उसके बाद फिर हम बना लेंगे इसी में नमक पारा। और नमक पारा के लिए मैंने बेलना स्टार्ट कर दिया है, और पूड़ियाँ मैं बेलती जा रही हूँ। बेलने के बाद बस इन्हीं को काट लेना है, और चाकू मैंने साइड में रखा है, आप देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे हम काट लेंगे जो वो हमारे नमक पारे हैं, और उनको एक प्रॉपर शेप में काटना है। फिर शेप में काट के मैं उनको इकट्ठे करती जाऊँगी और इकट्ठे बना दूंगी। इनको निकाल लेना है, तो अगर आप अच्छे से पका के निकालोगे तो एक सोंधापन होगा जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और ये नमक पारी आप चाय के साथ खा सकते हो, आप एज ए स्नैक इसको यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तैयार है हमारे क्रंची से और नमकीन से नमक पारे। आ हा हा, क्या टेस्ट है। तो अभी बना लेते हैं हम अपने मीठे शक्कर पारे जो होते हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ ये सूप ले लिया जाता है, इसको सूप बोला जाता है, आपके यहाँ जो भी बोलते हों। और इसमें बस छोटी छोटी लोइयाँ बनानी होती हैं, और फिर उनको रगड़ के एक बहुत अच्छा शेप बन जाता है, मतलब कि जैसे छोटे से शंकु टाइप का एक डिज़ाइन बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके देखने के लिए मैंने थोड़ा सा दिखा दिया है। ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में, और साथ ही खाने में बहुत टेस्टी होते हैं।
और इनको बस सारे जितने भी हैं सबको मैं उसी डिज़ाइन में बना लूँगी। और लोइयाँ इसकी बहुत बड़ी नहीं बनाना है, बस छोटी छोटी सी बनाना है और उनको कुछ ऐसे रगड़ देना है जो सूप होते हैं उसमें, तो एक डिज़ाइन भी क्रिएट हो जाता है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है और साथ ही साथ ही खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें जो अंदर तक चाशनी भर जाती है जो हम बनाते हैं मीठे शक्कर पारे, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ऐसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो जब सारे बन गए थे उसके बाद फिर मैंने इनको निकाल लिया है कढ़ाई में, और यहाँ पे आप देख सकते हो इनका एक ब्राउन कलर हो जाने तक हमको निकालना होता है, फ्राई करना होता है। बहुत ज़्यादा जब कच्चे होते हैं, मतलब कि बहुत वाइट कलर के होते हैं, तब भी आपको नहीं निकालना होता है, वरना एक कच्चापन रह जाता है और देखने में वो नहीं अच्छे लगेंगे। देखने में तो शायद अच्छे लगेंगे बट वो खाने में बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे, वो अच्छे से पकेंगे नहीं। और जो नीचे की आँच है, मतलब कि आग है, वो आपको मध्यम रखनी है, बहुत ना तेज़ रखना है ना बहुत धीमा रखना है, और उसी में आपको धीरे धीरे पूरे अच्छे से पका लेना है जैसा कि मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और सारे बस चलाते जाइए वरना नीचे वाले जल जाएंगे और ऊपर वाले पकेंगे ही नहीं, तो उनको अच्छे से चलाते भी रहना है और बस बन जाएंगे आराम से। और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, जो पक जाए तो फिर उनको आप इजीली निकाल सकते हो। तो खुरमे की चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटा ग्लास ले लेना है और उसके उस पे जितना भी आए पानी उतना पानी डाल देना है, उससे कम ही हो जाए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और फिर इसमें मैं डाल देती हूँ चीनी, तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, अगर आप मीठा खाते हो तो आप मीठा डाल सकते हो और कम मीठा पीते हो तो आप कम मीठा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी चाशनी तैयार हो गई है खुरमे बनाने के लिए या फिर नहीं तैयार है। तो उसके लिए आपको दोनों उंगलियों में ले लेना है और बढ़ाना है, जब एक तार टाइप के बनने लगे तो समझ लो आपकी चाशनी तैयार हो गई है। और उसको फिर आप डाल दो उसी ऑयल में, सॉरी मतलब कि उसी सीरम में जो कि आपने बनाया था, जलाओ और चाशनी जिसको बोलते हैं, तो चाशनी में आप डाल के अच्छे से फिर उसको फिर ठीक से मिक्स कर दो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ आप देख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा गर्म था तो इस वजह से मैंने कपड़े से पकड़ा हुआ है, वरना हाथ जल जाते। तो इसको अच्छे से मिलाना है और ठंडे होने के बाद फिर आप किसी भी डिब्बे में रख सकते हो, अगर गर्म है तो आप डिब्बे में मत रखो प्लास्टिक वाले में, क्योंकि वो पिघल जाएगा। और जब ठंडा हो जाएगा तो ये रहे हमारे टेस्टी टेस्टी खुरमे। क्या स्वाद है और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, एक सोंधापन होता है जब अच्छे से पक जाते हैं। तो ऐसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन होगा बगल में उसको भी हिट कर देना, जिससे कि मेरे जो आगे आने वाले वीडियो हैं वो सबसे पहले आपको मिले। और प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और मैं फिर से मिलूँगी बहुत अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।